नमस्कार, एसटीवी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार आज देपालपुर में चमन चौराहे पर जिला कांग्रेस के आह्वान पर भाजपा सरकार से जवाब दो हिसाब लो के तहत एक आंदोलन किया गया। इस आंदोलन को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने जमकर निशाना साधा और भाजपा शासन को किसान विरोधी सरकार बताया। वही जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने प्रदेश में सरकार का खाली खजाना को लेकर तनज कसा। खजाना पूरा खाली है और मुख्यमंत्री केवल वाहवाही लूटने के चक्कर में है। उसके बाद रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पर जाकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी की 14 वर्षों से प्रदेश में सरकार है, 4 वर्षों से केंद्र में सरकार है और तमाम मुद्दों को लेकर जो दोनों सरकारें बनी थी, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, व्यापारियों की आमदनी दुगनी करेंगे, अत्याचार कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज हमारे प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर और इंदौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव जी के नेतृत्व में आज हमने देपालपुर में एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जवाब दो हिसाब दो का कार्यक्रम रखा था। उसी के तहत आज हमने भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों से हमारा जो किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों पर यह सरकार खरी नहीं उतरी, इन बातों को लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया और यहाँ एसडीएम के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। ज्ञापन में आपके क्या क्या मांगे? ज्ञापन में हमने सबसे पहले तो जिस मुद्दे पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर हाहाकार मचाती थी प्रदेश में और देश में, आज डीजल और पेट्रोल के दाम 85 रुपये और 75 रुपये हो गए हैं। हमारे किसानों के जो बीमे की राशि आई थी उसको लोन खाते में जमा कर रहे हैं जबकि वो राशि किसानों को तत्काल मिलना थी। और अभी वर्तमान में जो सोयाबीन की फसल खराब हो गई हमारी, उसका भी अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि उसका तत्काल सर्वे किया जाए और उन किसानों को सहायता दी जाए। साथ ही साथ जो नोटबंदी और जीएसटी से व्यापार और जो धंधे चौपट हुए, किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, इन तमाम बातों को लेकर आज का हमारा एक कार्यक्रम था और आज हमने हमारे आदरणीय अध्यक्ष सदाशिव यादव जी और सौरभ जी पटेल साहब के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम करा और आज हम एसडीएम कार्यालय के यहाँ ज्ञापन देना है। इस ज्ञापन के माध्यम से देपालपुर विधानसभा की तमाम समस्याओं को शासन प्रशासन हल करे, अन्यथा आने वाले समय में और हम उग्र आंदोलन करें। भाई यही तो हमने 8 दिन पहले भी सदाशिव यादव साहब के नेतृत्व में हम कलेक्टर साहब से इंदौर भी मिले थे, सौरभ भैया भी थे और फिर आज हम इस ज्ञापन में हमने लिया है कि तत्काल जिन गांवों में जो हमारी सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसका तत्काल सर्वे कराया जाए और वहां के किसानों को आर्थिक मदद की जाए। आपका शुभ नाम? मोती सिंह पटेल, इंदौर जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।